आखिर आपने कभी सोचा है कि रात्रि में कुत्ते ज़्यादा क्यों भौंकते हैं? आइए हम आज आपको बताते हैं कि रात्रि में ही कुत्ते ज़्यादा क्यों भौंकते हैं। तो मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इसी तरीके के जानकारीपूर्ण वीडियो आप सुनते रहिए और देखते रहिए। हम कुछ ना कुछ नया आपके लिए ज़रूर डालते रहेंगे। आइए हम आज आपको बताते हैं कि कुत्ते रात्रि में ज़्यादा क्यों भौंकते हैं। मित्रों, कुत्ते का स्वभाव है कि जब भी रात्रि में किसी को देखेगा तो तुरंत भौंकने लगेगा। रात्रि में तो सब शयन करते हैं तो फिर इन्हें आखिर दिखाई क्या देता है, कभी आपने सोचा है? तो आज जान लीजिए कि कुत्ते और बिल्ली की छठी इंद्री जागृत होती है, या फिर आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि इनमें कुछ विशेष ऐसा होता है जो मनुष्य में नहीं होता है। रात्रि के समय विचरण करने वाली प्रेतात्माएं इन्हें साफ और स्पष्ट जीवित मनुष्यों की तरह ही दिखाई देती हैं। कुत्ते का स्वभाव है कि किसी को भी देखते ही भौंकना शुरू कर देता है। प्रेतात्मों का समय रात्रि में 12 से 3 बजे तक का विशेष माना जाता है, और आप गौर करेंगे तो इसी समय में कुत्ते शमशान, कब्रिस्तान या किसी सुनसान इलाके में ज़्यादा भौंकते हैं। कुत्तों को भविष्य का पूर्वाभास भी हो जाता है। शकुन शास्त्र में इनका विस्तृत वर्णन भी मिलता है। अगर यदि कोई कुत्ता रात्रि के समय आपके घर के बाहर लगातार 3 दिन बैठकर रोता है तो समझ जाइए कि घर में किसी की मृत्यु होने वाली है। अगर यदि आपने घर में कोई कुत्ता या बिल्ली पाल रखी हो और वह रात्रि में बिना किसी वजह के आवाज़ करने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई प्रेतात्मा विचरण करती है। कई कुत्तों को आपने शाम को भगवान के मंदिर के बाहर आरती के समय रोने जैसी ध्वनि करते देखा होगा। कभी सोचा है आपने कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन रोने वाले कुत्तों को इनके पूर्व जन्म की स्मृति होती है। इन्हें यह भी स्मरण होता है कि किस कर्म की वजह से इन्हें कुत्ते की योनि मिली है। यह भगवान के सामने रोकर उनसे क्षमा मांगते हैं। जो किसी के साथ विश्वासघात करता है या धोखेबाजी, छल, कपट, पाखंड आदि करता है तो उसे कुत्ते की योनि मिलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि कुत्ते की योनि में वह पूर्ण रूप से आजीवन वफादार रहता है। कुत्ते में यह वफादारी का गुण इसलिए अक्सर पाया जाता है कि कुत्ते की योनि से आदमी मुक्त होकर के पुनः मनुष्य योनि में भी आ सकता है। मित्रों, किसी भी प्रकार की अगर आपको ज्योतिषी, आध्यात्मिक या शास्त्रीय जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिनसे आपके जीवन में तमाम सुखद बदलाव होंगे। किसी भी प्रकार की कोई आध्यात्मिक शंका हो, जानकारी चाहिए तो भी आप हमसे अपने प्रश्नों के बारे में हमारे मतानुसार या हमारे विवेक से जो हमको उत्तर समझ में आता है वह आपको अवश्य देंगे। आप अगर उससे संतुष्ट हों तो यही हमारी उपलब्धि होगी। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमारे पितृ शक्ति धाम में आकर के हमसे मिल भी सकते हैं। जय माता रानी, जय माता रानी।